देखिए, विशेषकर धनतेरस में, ये दीपावली में और धनतेरस में, दोनों में विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा प्रधान, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा प्रधान होती है। जिस दिन धनतेरस लगती है तो उस दिन निश्चित है कि सभी लोगों को देवी लक्ष्मी की स्थापना करके, लक्ष्मी की मूर्ति रख करके और कुबेर की मूर्ति रख करके, यह पूजा जो है सायंकाल प्रारंभ करना चाहिए। अब की जो 13 है वो 10 तारीख को पड़ रही है, 10 तारीख को सायंकाल। तो सभी जो लोग भक्त इस प्रकार से धन की इच्छा करते हैं, जस और सुख शांति की इच्छा रखते हैं, तो धनतेरस के दिने यदि लक्ष्मी की पूजा की जाए, और उसी दिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई सामान खरीदते हैं, और जो भी सामान सोना चांदी का हो या किसी वस्तु का हो, विशेषकर सोना चांदी के पात्रों को या उसके जो बनते हैं गहने वहने, ये सब खरीदना चाहिए, और इसी के उनको फल मिलता है। तो इसलिए लक्ष्मी का वास हमारे यहाँ हो, सुख शांति मिले और हमारे जो बच्चे हैं वो सुख से रहें, ऐसी सुख शांति के लिए ही लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा और कुबेर की पूजा, इन तीन देवताओं की धनतेरस के दिन किया जाता है। जो इस प्रकार से विधि विधान से करते हैं तो निश्चित है उनको सुख शांति मिलती है, धन का लाभ होता है और परिवार उनका सुखी होता है। तो परिवार सुखी के लिए, धन, यह धन प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ जो हमारी समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हों और सुख शांति की प्राप्ति हो, इसीलिए धनतेरस की जो पूजा की जाती है, और कोई न कोई ऐसी वस्तु खरीदी जाती है जिससे उस वस्तु खरीदने से उनके जो घर की है वो वृद्धि होती है और घर में जो सुख शांति की प्राप्ति होती है। देखिए, विशेषकर सोने चांदी की वस्तु को खरीदना चाहिए, और जो खरीद कर जो वस्तु रखते हैं तो उससे अन्य वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है, घर पर प्रभाव पड़ता है, और घर में जो है जो किसी प्रकार की अशांति है वो दूर होती है और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए सोने की वस्तु, चांदी की वस्तु और ऐसे मूल्यवान वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, और खरीद करके जब अपने घर पर लाएंगे तो निश्चित है उनको लाभ मिलेगा।